सोनभद्र पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से लगभग 30 लाख रुपए का हेरोइन बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक तमंचा और 12,500 रुपए नगद जिंदा कारतूस के साथ 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एएसपी ने बताया कि भी जानकारी की जा रही है। इसके साथ ही यह खेप कहां से आ रही है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। सोनभद्र के राबर्ट्सगंज चौपन और अनपरा थाने इलाके में जांच के दौरान पुलिस को लगभग 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, साथ ही 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 12,500 रुपए नगद भी बरामद किया। पुलिस द्वारा जनपद के सारे थानों द्वारा विगत कुछ दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मादक पदार्थ से लेकर हर चीजों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे ये अभियान चल रहा है। इस अभियान के क्रम में जनपद सोनभद्र की 3 थाना को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसमें रावर्सगंज कोतवाली, चौपन और आपका अनपरा के साथ साथ स्वाट टीम प्रभारी के संयुक्त टीम द्वारा लगभग 29-30 लाख रुपए की मादक पदार्थ, जिसमें हीरोइन की बरामदगी हुई है। 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और निश्चित रूप से इस गिरफ्तारी से जो कि हर तरीके का अपराध की जननी नार्कोटिक्स रिलेटेड जो मात्राएं यहां आ रही हैं, इस पर रोक लगेगी और जनपद सोनभद्र में अपराध को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। तो क्या बरामद हुई है आरोपियों के पास? ये 10 अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, इनसे अलग अलग बरामद हुई है मादक पदार्थों में हीरोइन लगभग 300 ग्राम के आसपास बरामद हुई है। उसके बाद इनसे अवैध असलहे बरामद हुए हैं, कुछ बिक्री वाले पैसे बरामद हुए हैं और इन नियमानुसार सत्ता फर्क बना करके इनको कानूनी रूप से जेल भेजा जा रहा है। देखिए, अभी प्रथम चरण में तो इस गिरफ्तारी करके अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना की जाएगी और विवेचक को निर्देश दिए गए हैं कि इसके तह तक जाएं, ये खेप कहाँ से आ रहा है, यदि इसके पीछे किसी माफिया का हाथ है या बार बार हमारे जो नौजवानों को गुमराह करने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं और इस तरीके की इसको रोक लगाने के लिए चाहे वो जितने पीछे तक के हाथ हों, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।